हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप मेकअप बिगनर हो या अभी आपने मेकअप लगाना स्टार्ट किया है तो आप किस तरीके से एक बेसिक आई शेडो लुक अचीव कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आई शेडो लगा सकते हो वो बताऊंगी, क्योंकि बिगनर्स को नहीं पता होता कि आपको कौन सा आई शेडो कहाँ प्लेस करना चाहिए, कौन सी मेकअप ब्रशेस कहाँ यूज करनी चाहिए। उनको ये सारी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करूंगी और बताऊंगी कि आप किस तरीके से बेसिक आई शेडो लुक अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर के बटन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इस टाइम पे कौन सी लिपस्टिक पहनी हुई है, तो मैंने पहनी है ये NY बे की लिपस्टिक इन द शेड 15 जॉय डजन शेयर लिपस्टिक। ये न्यू लिपस्टिक है और मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप आई शेडो मेकअप लुक, एक बिगनर आई शेडो लुक। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप किस कौन कौन से आपको आई शेडो आई शेडो ब्रशेस चाहिए, क्योंकि आई शेडो ब्रश एक अच्छे आई मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है दो, सबसे पहले ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट ब्रशेस होते हैं हमारे आई मेकअप के लिए। इनका काम होता है जो आई शेडोज हम अप्लाई कर रहे हैं उनको ब्लेंड करना। लाइक अगर मैंने कोई आई शेडो अपने क्रीज लाइन में लगाया है तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड करें ताकि कोई भी हार्श लाइन और एजेस ना लगे और बहुत सब कुछ अच्छे से ब्लेंड लगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश काफी टाइप्स के आते हैं, फ्लफी, स्टिफ, बड़े, स्मॉल, आपको जिस तरीके के इंपॉर्टेंट लगे आप उस तरीके के ले सकते हो। पर मैंने यहाँ पे मीडियम शेप का ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया है। सो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करना होता है, जो मैं अभी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश है और ये स्मॉल है, तो जिनकी स्मॉल आईज हैं, हुडेड आईज हैं, उनके लिए इस तरीके के ब्लेंडिंग ब्रश ठीक होते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस। और ये थोड़ा सा स्टिफ भी है, तो आप अच्छे से स्टिफ, कोई क्रीम आई शेडो आपने लगाया है क्रीज पे तो स्टिफ ब्रशेस काम होता है उन आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड करना। और अगर आप पाउडर आई शेडोज लगा रहे हो तो आप फ्लफी ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो ये दो ब्रशेज हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे दो फ्लैट ब्रशेज हैं, एक स्मॉल है, तो अगेन हुडेड आईज है, स्मॉल आईज है, तो फ्लैट यूज हो सकता है। इवन आपको अगर बहुत प्रिसाइज एप्लीकेशन देनी है आई शेडोज की तो उसके लिए आपको स्मॉल ब्रशेज की जरूरत पड़ेगी पैड करने के लिए। और इन ब्रशेस का काम होता है आपके आई शेडोज को पैड करना, स्पेशली जो शिमरी आई शेडोज होते हैं, ग्लिटर आई शेडोज होते हैं, वो इस तरीके के ब्रश के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो ये वाला फ्लैट शेडर ब्रश, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो थिक है और फ्लैट भी है, तो इस तरीके के ब्रश के साथ आप पाउडर आई शेडोज भी अप्लाई कर सकते हो अपनी पूरी आई लिड पे। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एंगल ब्रश। एंगल ब्रश का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई मेकअप के लिए। ये आपके आईब्रोज को फिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की लैश लाइन को स्मच करने के लिए आपको अगर लाइनर अप्लाई करना है एंगल ब्रश की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ मेरे पास दो स्मॉल ब्रशेज हैं, एक है मेरे पास स्मॉल पेंसिल ब्रश, इसकी हेल्प से आप कोई प्रिसाइज लोअर लैश लाइन, ये वाला जो लैश लाइन होता है यहाँ पे आप अपने कोई भी कलर को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया बहुत ही स्मॉल होता है और आपको बहुत स्मॉल ब्रश की जरूरत है। तो पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप इजिली अपना कोई भी कलर, कोई भी आई शेडो अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। और सेम ब्रश को आप इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये स्मॉल है और आपके इनर कॉर्नर्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो वहां अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे स्मजर ब्रश। आप अगर कोई स्मोकी आईज क्रिएट कर रहे हो तो स्मजर ब्रश का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके क्रीम आई शेडोज को और आई शेडोज को स्मज करने के लिए। इस तरीके का स्मजर ब्रश बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो ये मेरे आई शेडो ब्रशेज हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे बस फ्लफी सा ब्रश है, ये इंपॉर्टेंट भी है और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस ब्रश की हेल्प से आप अपने आई शेडो लाइक कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं जो आपने ऊपर लगाया होगा अपने आईज के। तो ये बेसिक आई शेडो ब्रशेज मैंने आपको बताए हैं, मैं इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप चेक कर सकें अगर आप इंटरेस्टेड इनको लेने के लिए। सो आई शेडो अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आई शेडो कौन सी आई एरिया पे प्लेस करना है। जो ये लाइन क्रिएट हो रही है उसे हम कहते हैं क्रीज लाइन, जब हम अपनी आईज ओपन और क्लोज करते हैं इस लाइन को हम कहते हैं क्रीज लाइन। यहाँ पे हम अपना ट्रांजिशन और क्रीज कलर अप्लाई करते हैं, उसके नीचे वाला जो एरिया है उसे हम क्रीज लाइन से नीचे का एरिया और उससे अबव वाले को हम कहते हैं क्रीज से अबव वाला एरिया। इस वाले एरिया को हम कहते हैं ब्राउ बोन, जहां पे हम अपना हाइलाइटर यूज करते हैं। उसके बाद जो ये वाला एरिया है, इस तरीके का जो शेप बनता है जब हम अपने आईज को ओपन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटर वी, और ये वाले एरिया को हम कहते हैं इनर वी,
और बाकी जो हमारा एरिया बच गया उसे हम कहते हैं आईलिड, पूरी आईलिड एरिया या फिर मोबाइल लिड इस तरीके का। नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं लोअर लैश लाइन वाला एरिया, क्योंकि ये हमारे लैशेस के बिल्कुल क्लोज है। ओके, ये सारी चीजें तो हमें यहाँ पे अलग अलग कलर प्लेस करने होते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप मैं आपको बताती हूँ वो होता है अपनी आईलिड को प्राइम करना। आप कोई भी आईशेडो प्राइमर ले सकते हो या फिर अपना कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर। कंसीलर या फिर आई प्राइमर का काम होता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है आईज की, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड पिगमेंटेशन है, उसको हाइड करता है और जो आपका आईशेडो का कलर है वो एक्चुअली में उभर के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो आपको हमेशा ये फॉलो करना चाहिए। तो इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। आपको अच्छे से इसे ब्लेंड करना है और आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली इसने मेरी रेड आईज, मतलब रेड कलर जो था आईज पे पिगमेंटेशन, उसको दूर कर दिया है। आप इसे हल्का हल्का अपनी लोअर लैश लाइन के पास भी ले जाएं, क्योंकि आपको वहां भी कलर प्लेस करना होता है। तो इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लो। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, इसे सेट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। आप लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट कोई भी यूज कर सकते हो। ये स्टेप सेकेंड स्टेप है अपने प्राइमर और कंसीलर को अच्छे से सेट करना, क्योंकि अगर आप इसे सेट नहीं करोगे तो आपके जो आईशेडो आप अप्लाई करोगे वो बहुत जल्दी क्रीज हो जाएगा, वो ब्लेंड भी अच्छे से नहीं होगा। और इस वाले स्टेप से आप कोई भी आईशेडो लगा रहे हो वो इजिली ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया और आप देख सकते हो कि बहुत स्मूथ लग रहा है। नेक्स्ट हमें अप्लाई करना होता है सबसे पहले क्रीज लाइन पे कलर। तो क्रीज लाइन के लिए हम यूज करते हैं काफी सारे शेड्स। इस तरीके के लाइट कलर यूज कर सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, और हमेशा आपको यू नो लाइट से डार्क की तरफ आना है। और आईलिड पे, इनर वी पे हमेशा आपको लाइट कलर और आउटर वी पे हमेशा डार्क कलर यूज करने चाहिए, उससे आपका आई शेडो लुक काफी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश और मैं यूज कर रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड। आपको इस तरीके से कलर को पिक करना है और हमेशा जो एक्सेस होता है उसे रिमूव कर दे। नेक्स्ट आपको इसे प्लेस करना है अपने क्रीज पे। मैंने आपको बताया था जब आप कोई लाइन क्रिएट होगी वहां पे, तो ये रही मेरी लाइन। मैं यहाँ पे ये ब्रश रख के सीधा ऐसे ब्लेंड करूंगी, और आपको अगर नहीं पता तो आप भी अपने क्रीज पे अच्छे से प्लेस करके इस तरीके से ब्लेंड कर लें। तो ये डायरेक्टली आपके क्रीज पे ही अप्लाई होगी और कहीं नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लेंड करने में। और बस आपको यू नो इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में से अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके आउटर वी पे ज्यादा कलर हो तो यहाँ पे आपके आउटर वी पे रख के आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, दैट्स इट। सो आप देख सकते हो कितना इजी है, और आप देख सकते हो कि एक डेप्थ मिला होगा मेरे आईज पे, एक कलर आया है, उसे हम कहते हैं हमारा ट्रांजिशन कलर और क्रीज कलर। नेक्स्ट अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हो तो उसके बाद मैं ले रही हूँ ये वाला कलर, इससे थोड़ा सा डार्क है। मैंने पहले लाइट शेड लिया, अब मैं डार्क शेड ले रही हूँ। उसके बाद अगेन मैं इसका एक्सेस रिमूव कर दूंगी ताकि कुछ चंकी एंड पाउडरी ना लगे, और इसे मैं अगेन अपने यू नो क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ और साथ में फिर ब्लेंड कर ले रही हूँ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में। और बहुत ज्यादा प्रेशर देके आप ब्लेंड ना करो, लाइट हैंड से, ताकि आपका जो कलर है वो अच्छे से डिपॉजिट हो और अच्छे से ब्लेंड हो। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि जो आपके कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल यू नो आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाए, ऐसा ना लगे कि आपने बहुत सारा पाउडर, एक्सेस पाउडर आपने जमा किया हुआ है अपने आईज पे। सो या इस तरह करने के बाद अगर आपको सेम कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाना है तो आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको मैं बता देती हूँ। लाइक इस तरीके के ब्रश की हेल्प के साथ लिया आपने एक्स्ट्रा कलर एक्सेस, और आपको बिल्कुल क्लोज क्लोज अपने लैश लाइन के अप्लाई करते हुए स्मज करना है ऐसे। That's it. नेक्स्ट अब हमें अप्लाई करना है अपनी पूरी आईलिड पे कलर। आप शिमरी आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो और आप मैट आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी आईलिड पे कलर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए फ्लैट ब्रश और फ्लैट शेडर ब्रश। तो यहाँ मैं स्मॉल वाला फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, और आप कोई भी मैट शेड यूज कर सकते हो या फिर शिमरी। तो यहाँ मेरे पास है गोल्डन, ऑरेंज, ब्रॉन्जी, कॉपर, इस तरीके के काफी सारे शेड। तो उसमें से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से काफी अच्छे से पिक होते हैं, कलर डिपॉजिट होता है, और उसको आपको अप्लाई करना है अपनी सिर्फ क्रीज लाइन के नीचे। क्रीज लाइन ये वाली क्रीज लाइन है, और इसके नीचे नीचे आपको और इस तरीके से पैट करना है
ऐसे ताकि आपका कलर अच्छे से डिपॉजिट हो जाए और आपको फुल पिगमेंटेशन मिले। और अगर आपको ब्रश की हेल्प से यू नो प्रॉब्लम आती है कलर अप्लाई करने में, तो आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली अपने फिंगर की हेल्प से कलर को पिक करना है और आपको इस तरीके से जैसे आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रहे थे वैसे अप्लाई करना है। आपको बिल्कुल इनर कॉर्नर्स में नहीं आना, अदरवाइज जो आपका कलर है वो यहां तक आ जाएगा। बहुत केयरफुली अब अप्लाई करें और आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप यू नो कलर आई शेडोज को लगाना और कलर को पैड करना सीख जाएंगे। सो मैंने सिर्फ अपनी आईलिड पे कलर अप्लाई किया है, एज यू कैन सी क्रीज से ऊपर नहीं गई हूं मैं बिल्कुल। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये स्मॉल ब्रश, क्योंकि ये बहुत इजी होगा ब्लेंडिंग के लिए। तो आपको इस तरीके की स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और आपको अपनी क्रीज लाइन पे रखना है और इसे ब्लेंड करना है ताकि जो आपने कलर अप्लाई किया था वो बिल्कुल हार्श ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपने कलर बस प्लेस किया और छोड़ दिया। वो ब्लेंडेड लगना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा आई लुक चाहिए, तो आपको इसी तरीके से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद आपको हाईलाइट करना होता है अपना ब्राउ बोन, ये वाला एरिया और इनर कॉर्नर को, ताकि आपके आईज जो हैं वो और पॉप आउट लगे। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है कुछ इस तरीके का गोल्डन शेड या फिर सिल्वर शेड या फिर हाईलाइटिंग शेड। तो मैं ये गोल्डन शेड ले रही हूँ एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। इस तरीके का राउंड ब्रश आप ले सकते हैं और आपको डायरेक्टली प्लेस करना है अपने इनर कॉर्नर पे इस तरीके से, और थोड़ा सा क्लोज अपने लोअर लैश लाइन पे इनर कॉर्नर पे इस तरीके से, एज यू कैन सी। देन सेम शेड को आपको ब्राउ बोन को हाईलाइट करना है ऐसे। सो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसे थोड़ा ग्लैमरस और ग्लैम लुक देना चाहते हैं तो आपको सिंपली यूज करना है ग्लिटर। आप अपनी कोई भी पसंद का ग्लिटर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये रोज गोल्ड ग्लिटर ले रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आप हमेशा ग्लिटर अपनी फिंगर की हेल्प से और फ्लैट ब्रश की हेल्प से यूज करें, तभी आपके ग्लिटर्स अच्छे से प्लेस होंगे। और इसे मैं अप्लाई कर रही हूं अपनी पूरी आईलिड पे, अपनी इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को छोड़ते हुए सिर्फ मतलब आईलिड पे अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट अपने आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर और मस्कारा। सो गर्ल्स, ये है हमारा फाइनल लुक। गर्ल्स दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे। उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।